हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके द स्टडी पॉइंट। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफ्रेंसिएशन के दोस्तों क्वेश्चनों की, जिसमें दोस्तों अवकलन निकालना है दोस्तों क्योंकि दोस्तों नेवी एयरफोर्स दोस्तों सभी में क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, अवकलन से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों हम अवकलन क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों वाई बराबर एक्स की पावर एक्स है तो एक्स बराबर वन पर डी वाई डी एक्स किसके बराबर होगा। दोस्तों डी वाई डी एक्स का मतलब दोस्तों होता है अवकलन करना। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है वाई बराबर एक्स की पावर एक्स है तो एक्स बराबर वन पर डी वाई डी एक्स के डी वाई डी एक्स किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में इसमें दे रखा है जीरो, बी में है ऑप्शन एक, दोस्तों सी में दे रखा है माइनस वन और डी में दे रखा है दो। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसमें दोस्तों कह रहा है वाई बराबर एक्स की पावर एक्स। दोस्तों तो इसमें करेंगे दोस्तों y बराबर एक्स की पावर x दे रखा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम log मान लेंगे दोस्तों, दोनों तरफ हम लेंगे इसमें log, तो log बराबर हो जाएगा दोस्तों, log y बराबर हो जाएगा दोस्तों log x की पावर x। दोस्तों तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है दोस्तों, इसका दोस्तों जब इसमें करेंगे log y बराबर दोस्तों ये जो घात में x की पावर x दोस्तों ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोस्तों, x log x हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फार्मूला होता है दोस्तों log m की पावर n बराबर होता है दोस्तों, फार्मूला इसका n log m n दोस्तों इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसलिए हम ये फार्मूला इसमें लगा देंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों ये फार्मूला होता है log दोस्तों log m की पावर n बराबर होता है n log m दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये फार्मूला हम इसमें लगा देते हैं x की पावर x log m log x दोस्तों। तो इसमें इसके बाद दोस्तों इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं इसमें, इसका दोस्तों जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोस्तों लॉग वाई का हो जाएगा वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा दोस्तों, इसका वन अपान वाई डी वाई डी एक्स दोस्तों। और एक्स का दोस्तों पहले इसमें दोस्तों इसमें दो है एक्स इंटू लॉग एक्स दोस्तों, तो इसमें पहले का दोस्तों हम इसी तरह रख देंगे, क्या लॉग एक्स का अवकलन कर लेंगे दोस्तों वन अपान एक्स होता है, तो वन अपान एक्स हो जाएगा प्लस दोस्तों उसके बाद लॉग एक्स को रखेंगे हम दोस्तों, क्योंकि फार्मूला होता है एक को रख देते हैं दूसरे का अवकलन करते हैं जब मल्टीप्लाई में दोस्तों दो पद होते हैं, तो इसमें लॉग एक्स को दोस्तों इसी प्रकार रख देंगे और एक्स का अवकलन करेंगे दोस्तों एक्स का वन हो जाएगा अवकलन। तो दोस्तों इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों इस तरफ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई दोस्तों, ये दोस्तों इस तरफ डिवाइड में उस तरफ दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों, तो वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें पूछा कहा गया दोस्तों एक्स बराबर वन पर दोस्तों डी आर डी एक्स किसके बराबर होगा दोस्तों, क्लियर होगा दोस्तों इसमें ये दोस्तों अवकलन हमने निकाल लिया दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया एक्स बराबर वन पर डी आई डी एक्स किसके बराबर होगा, तो दोस्तों हम एक्स का दोस्तों मान रख देंगे दोस्तों, अच्छा दोस्तों वाई बराबर वाई की जगह दोस्तों ये मान रख देंगे एक्स की पावर एक्स, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स एक्स बराबर वन पर दोस्तों मान निकालेंगे दोस्तों, तो वाई की जगह दोस्तों रख देंगे एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स दोस्तों। यहाँ दोस्तों हम रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर वन पर दोस्तों, ये वाई की जगह दोस्तों ये वाई जो आया तो इसकी जगह हम दोस्तों ये क्योंकि वाई का मान दिया दोस्तों एक्स पावर एक्स दोस्तों, इसमें मान रख दे उसके बाद वन दोस्तों एक्स का मान वन रखेंगे इसके बाद दोस्तों, तो इसमें जब एक्स पावर वन रखेंगे तो इसमें वन की पावर वन करेंगे दोस्तों तो वन ही आ जाएगा, उसके बाद इसमें अंदर वन प्लस दोस्तों लॉग एक्स एक्स की जगह दोस्तों वन करेंगे तो लॉग दोस्तों वन का मान होता है जीरो दोस्तों, लॉग वन दोस्तों, तो लॉग क्योंकि दोस्तों लॉग वन का मान होता है जीरो दोस्तों, तो ये लॉग वन की जगह दोस्तों आ जाएगा जीरो। तो दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर वन पर दोस्तों मान निकल के आएगा इसका वन दोस्तों, क्योंकि यहाँ जीरो हो जाएगा तो दोस्तों बचेगा वन। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी में दे रखा है एक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है y बराबर t की पावर 10 दोस्तों, y की पावर t की पावर 10 प्लस 1 और x बराबर t की पावर 8 प्लस 1, तब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कमान दोस्तों, इसमें दो बार अवकलन किया गया जब दोस्तों ये पूछा गया इसमें, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है 5t/2 दोस्तों, सेकंड में दे रखा 20 t की पावर 8 दोस्तों, 5/16 t की पावर 6 है, डी में दे रखा दोस्तों नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें वाई का हम अवकलन कर लेते हैं दोस्तों, वाई का दोस्तों अवकलन करेंगे तो दोस्तों इसमें आ जाएगा वाई बराबर दोस्तों इसमें देख रहा है टी की पावर 10 प्लस 1 दोस्तों, तो वाई का हम अवकलन करेंगे दोस्तों इसमें आ जाएगा डी वाई
अपान डी टू दोस्तों बराबर हो जाएगा दोस्तों टी की पावर 10 का पालन करेंगे दोस्तों इसमें आ जाएगा 10 टी की पावर 9 और ये दोस्तों 1 का हो जाएगा 0 दोस्तों तो इसमें आएगा डी की पावर 10 टी और दोस्तों टी की पावर 9 हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसमें कर लेंगे एक्स की पावर 8 प्लस 1 का पालन एक्स बराबर इसमें दे रखा टी की पावर 8 प्लस 1 दोस्तों तो इसका करेंगे पालन तो डी एक्स अपान डी टी दोस्तों हो जाएगा इसमें 8 टी की पावर 7 दोस्तों प्लस वन का दोस्तों इसमें प्लस वन है दोस्तों वन का करेंगे तो इसमें आ जाएगा 0 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डी एक्स का डी टी में डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो इसमें हो जाएगा डी वाई अपान डी टी बट्टे डी एक्स अपान डी टी दोस्तों बराबर हो जाएगा दोस्तों डी वाई को दोस्तों इसमें मान नहीं रखा 10 टी की पावर 9 अपान दोस्तों इसमें हो जाएगा और डी एक्स अपान डी टी का मान नहीं रखा 8 टी की पावर 7 दोस्तों डी टी से दोस्तों इसमें डी टी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको हम काट देंगे इसमें टी सेवन से दोस्तों टी सेवन कैंसिल हो जाएगी दोस्तों इसमें ऊपर बचेगा टी की पावर 2 दोस्तों। उसके बाद 2 से काट देंगे 2 पाँच 10 दोस्तों 2 दूनी 2 चौको 8 होता है दोस्तों तो इसमें आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों ऊपर बचेगा 5 टी स्क्वायर अपान नीचे बचेगा दोस्तों 4 केवल ऊपर दोस्तों बचेगा क्योंकि दोस्तों इसमें टी से टी सेवन का बच गया तो कट गया दोस्तों तो ऊपर बचा टी स्क्वायर केवल दोस्तों दोस्तों 10 और 8 को काट देंगे तो 5 बटे 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका एक बार अवकलन कर देंगे दोस्तों डी वाई अपान डी एक्स को दोस्तों एक बार जब अवकलन करेंगे तो दोस्तों इसमें वैल्यू निकल के डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 स्क्वायर अवकलन करेंगे दोस्तों इसमें आ जाएगा 10 टी दोस्तों अपान हो जाएगा दोस्तों 4 दोस्तों। इसका जब अवकलन करेंगे तो 10 दोस्तों टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 टी होता है दोस्तों 2 टी दोस्तों तो ये आ जाएगा 10 टी अपान 4 दोस्तों। इसको दोस्तों हम 2 से काट देंगे दोस्तों 2 काटेंगे दोस्तों 2 पंचे 10 2 दूनी दोस्तों 4 होता है तो इसमें आ जाएगा 5 टी अपान 2 दोस्तों। इसमें डी स्क्वायर का मान आ गया दोस्तों डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर दोस्तों इसका मान आ जाएगा 5 टी अपान 2 दोस्तों। जब इसको हम 2 से काट देंगे तो 5 टी अपान 2 दोस्तों आ जाएगा। तो इसके दोस्तों इसमें ऑप्शन पहले में दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है 5 टी अपान 2 दोस्तों तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को सामने आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है इसमें दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स दोस्तों इनफिनाइट तक दोस्तों तो डी वाई डी एक्स का मान इसमें पूछा गया तो ऑप्शन ई में दोस्तों इसमें देगा एक्स एक्स अपान वन माइनस एक्स दोस्तों। नीचे दे रखा है दोस्तों बी में दोस्तों वाई बराबर वाई अपान वन माइनस वाई दोस्तों सी में है एक्स अपान वन प्लस एक्स डी में दोस्तों नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसमें दोस्तों कह रहा है वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स दोस्तों इनफिनाइट टाइप है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों वाई बराबर दोस्तों हो जाएगा ई की पावर एक्स दोस्तों। अगर दोस्तों हम इतने को हटा देंगे दोस्तों अगर इतने को दोस्तों हटा देंगे दोस्तों तो ये भी ई की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों इसके हम एक्स प्लस वाई लिख देंगे दोस्तों इसको हम क्योंकि दोस्तों अगर इतने को दोस्तों अगर मूल लेंगे दोस्तों तो ये भी वाई बराबर वाई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वन दोस्तों इसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम एक्स की जगह दोस्तों वाई रख देंगे ई की पावर एक्स की जगह दोस्तों और उसके बाद दोस्तों ये दोनों में दोस्तों हम लाग लेंगे तो लाग बराबर हो जाएगा लाग वाई इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा लॉग ई एक्स प्लस वाई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें हम फार्मूला लगा देंगे तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा इसमें दोस्तों ये दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई लॉग ई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लॉग ई का मान दोस्तों वन होता है लॉग दोस्तों लॉग ई बराबर दोस्तों वन होता है तो दोस्तों लॉग ई की जगह हम वन रख देंगे तो इसमें आ जाएगा दोस्तों लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दोनों तरफ हम अवकलन कर लेंगे दोस्तों इसका दोस्तों दोनों तरफ अवकलन कर लेंगे दोस्तों तो लॉग वाई का अवकलन हो जाएगा वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स दोस्तों बराबर हो जाएगा दोस्तों एक्स का करेंगे दोस्तों तो वन हो जाएगा प्लस वाई का दोस्तों अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई अपान डी एक्स हो जाएगा दोस्तों। डी वाई डी एक्स को दोस्तों पद एक तरफ हम कर लेंगे दोस्तों तो दोस्तों जब ये पद दोस्तों इस तरफ आएगा दोस्तों तो इसे डी वाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन करेंगे दोस्तों इसमें बचेगा वन अपान वाई
माइनस वन दोस्तों बराबर वन हो जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों हम उस तरफ ले जाएंगे तो इसमें आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर, इसमें एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो डी वाई अपान डी एक्स दोस्तों वन माइनस वाई अपान वाई हो जाएगा दोस्तों बराबर वन दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों पद पूरा हम उस तरफ ले जाएंगे, ये दोस्तों पूरा पद जो दोस्तों आई ये पूरा पद, ये दोस्तों इसमें इस तरह मल्टीप्लाई में उस तरह डी आई में हो जाएगा दोस्तों। तो डी वाई बाई अपान डी एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों, ये वाई ऊपर चला जाएगा वाई अपान वन माइनस वाई दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों डिवाइड में तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू में, उसका जो दोस्तों इंटू में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो वाई अपान वन माइनस वाई आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा वन अपान वन माइनस वाई दोस्तों। तो इसके ऑप्शन दोस्तों इसमें ऑप्शन बी में दोस्तों दे रखा है, इसमें ऑप्शन बी में दोस्तों दे रखा है इसमें y अपान वन माइनस वाई, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर समझ में ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।